तो हेलो गाइस, आप सभी लोग स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। तो गाइस, मैं उतर रहा था स्टेडियम और देखो यहाँ पर दो दो स्क्वेड उतर रही हैं भाई। तो मतलब इसका मतलब है कि किल तो यहाँ पर मेरी अच्छी खासी हो ही जाएंगी। तो बस अब गन चाहिए, तो जल्दी से गन लूटते हैं। अरे भाई अंदर चले जा, चलो अब जल्दी से गन मिले। अरे भाई ये वेस्ट क्यों? ओ भाई वेस्ट ले लेते हैं और यहाँ से वेस्ट ले। ओ भाई 3 नंबर को नॉक और फिनिश दोनों कर दिया, I need a तो weapon. बदला तो लेना ही पड़ेगा अब कैसे भी करके। वेपन मिले जल्दी से भाई, यहाँ पर तो एम4 पड़ी। जल्दी से एम4 उठाता हूँ और चलता हूँ अब बंदों की तरफ। और ये शॉर्ट गन भी उठा लेता हूँ मैं अभी। Enemy. और मैंने बंदों को डैमेज भी दी मगर कुछ नहीं हुआ यार उससे। Enemy. नहीं हुआ यार, अब तो जाना Enemy ही पड़ेगा down. डायरेक्ट क्लस्टर ने। अरे यार 4 नंबर ने किल चोरी कर ली, चलो कोई बात नहीं, इस Enemy बंदे की down. हमने किल चोरी कर ली। और अब जहाँ से पेटी लूटते हैं चलते हैं आगे की तरफ जल्दी से। और मैं यहाँ पर आकर इस बंदे की पेटी लूट ही रहा था तभी मेरे को बोट की फायर की करने की आवाज़ आती है, और ये सच में ही बोट होता है। तो जल्दी से इसे नॉक फिनिश करते हैं और चलते हैं और बंदे देखने। और गाइस तभी मैं, ओ भाई कितना गंदा डैमेज दिया मैं तभी इधर आया, और गंदा इतना गंदा कुछ सोच ही नहीं सकते गाइस। तो जल्दी से मैं हील करता हूँ फिर देखते हैं इस बंदे को। तो गाइस ये बंदा हमारे ऊपर रश कर चुका है, मेरे को साउंड आ रही है इस बंदे की। तो अब देखना बस क्या ही मारता हूँ इस बंदे को। भाई को नॉक करने के बाद अब डायरेक्ट फिनिश डालते हैं और जल्दी से अब हील कर लेता हूँ मैं, क्या पता कहीं से थर्ड पार्टी हो जाए। और भाई ये बंदा बार बार इधर मार करता, चलो जल्दी जा के देखते हैं कौन है इधर इस घर की तरफ। भाई वहाँ पर भी मार किया इसने। ओ भाई ये तो बोट है। तो गाइस ये तो बोट निकला, वहाँ पर देखते हैं भाई वो भी बोट है। चलो तो इन दोनों को जल्दी से फिनिश करते हैं और यहाँ से चलते हैं दूसरी ओर। चलो तो गाइस इसको तो नॉक किया, अब इधर की तरफ भाई सामने एक और बोट है, तो इसे भी करते हैं जल्दी से नॉक फिनिश। गाइस तब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, मेरे को बंदे के फुटप्रिंट आ रहे हैं। और गाइस इसने फायर भी की। भाई ये बंदा मेरे को एक भी डैमेज नहीं दे पाया, क्या ही इस बंदे को नॉक किया है कुछ कह नहीं सकते। और इसे पूरा फिनिश करके और अब जल्दी से मैं अपनी गन रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। तो और भी बंदे मारने हैं अभी, 15 ओनली 15 लाइफ बचे हैं यार, 10 किल हो पाएंगे या नहीं पता नहीं। और ये सामने एक बोट भागते हुए जा रहा है, तो जल्दी से इस बोट को फिनिश। भाई 4x, भाई 4x कितना हल रहा है यार। चलो इसमें जल्दी से 3x डालता हूँ और इस बोट को फिनिश करके यहाँ से चलते हैं। और गाइस तभी मैं यहाँ से जा ही रहा था बोट को फिनिश करके, और गाइस 2 नंबर के साथ कुछ ये सीन होता है, बंदे ने RPG से 2 नंबर को नॉक कर दिया, तो अब इसको तो बचाना ही पड़ेगा भाई। उसे वो तो खा ही गया पूरे 2 नंबर को, मतलब फिनिश ही कर दिया उसको। तो अब जल्दी से बंदे को देखते हैं, यानी पहले इसकी पेटी से लीड वगैरह ले लेता हूँ। ओ भाई नहीं बचूंगा मैं, मेरे को लग रहा है। नहीं भाई 4 नंबर आ गया, अब अच्छी तरह से उसने उसको फिनिश कर दिया। तो जल्दी से अब रिवाइव लेते हैं और चलते हैं यहाँ से 4 नंबर से रिवाइव लेने के बाद। और गाइस 4 नंबर से रिवाइव लेने के बाद मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट की तरफ। ओनली 7 बंदे अलाइव बचे हैं, और इन 7 बंदों में से क्या देखिए मैं कितनी किल ही कर पाता हूँ बस। तो गाइस देखते रहिए, और मैं अब जल्दी से पहाड़ की तरफ जाता हूँ, उधर की तरफ एक ड्रॉप गिरा हुआ है, तो चलते हैं। ऑफकोर्स वहीं पर बंदे होंगे, तो चलिए देखते हैं। लेट्स गो। और गाइस देखो बंदे ने फायर भी कर दिया, तो 100% वहां पर बंदा है, तो देखते हैं उसे हम फिनिश कर पाते हैं या नहीं। चलिए भाई चढ़ जा यार, इतना स्लो क्यों चढ़ रहा है, चढ़। और
भाई इस बंदे से मैं क्या ही बचा। अच्छा हुआ मैं इस पहाड़ से गिर गया, अगर नहीं गिरता तो ये बंदा मेरे को डायरेक्ट नॉक करके फिनिश ही कर देता। तो चलो कोई बात नहीं, अब अपने 4 नंबर से लेते हैं रिवाइव और फिर देखते हैं इस बंदे को। तो मैं रिवाइव लेने के बाद, हील करने के बाद थोड़ा इधर की तरफ आ जाता हूँ कि पीछे से मारूँगा। और मैं फ़िलहाल पहले सोच के तो आया था ड्रॉप में से आर्मर उठा लेता हूँ, मेरे पास ना तो बेस्ट ढंग की है और ना हेलमेट। फिर भी चलो कोई बात नहीं, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि ड्रॉप क्लियर ड्रॉप तो जॉन में है गाइस, तो क्या ही कर सकते हैं। और ये सामने से मेरे को बंदा आता दिखा, क्या ही इस पर एम बैठा, कुछ बता नहीं सकता गाइस, मज़े आ गए इस बंदे को फिनिश करके। फिलहाल तो गाइस ओनली एक बंदा लास्ट बचा है, तो गाइस मेरे को 10 किल पूरे करने हैं। तो अब 4 नंबर ऊपर जा रहा भाई, वहाँ पर पक्का बंदा होगा क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं, तो हमको 10 किल करनी है तो उसके पास जाना ही पड़ेगा भाई। तो चलते हैं 4 नंबर की ओर। एक तो यार ये स्केटिंग नहीं मान रही, चल भाई जल्दी चल, 10 किल करनी है मेरे को, चिकन निकालना है। और गाइस बंदे के पास RPG होती है मगर 4 नंबर लकीली बच जाता है, तो अब तो मेरे को जल्दी ही जाना पड़ेगा। अगर वो नॉक हो गया तो वो तो इजीली मेरे को। एनिमी डाउन। तो गाइस उस मैच में तो फाइनली 10 किल के साथ चिकन डिनर हो ही जाता है। और गाइस ये देखो मेरे सामने 3-3 बंदे उतर रहे हैं, अगर गाइस इन 3 बंदों को मैं फिनिश कर देता हूँ तो गाइस तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और गाइस जिस घर पर मैं उतरना चाह रहा था उस पर तो भाई यही उतर गए यार। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं इस रेड वाले घर में, इसमें कुछ मिल जाए। और गाइस देखो क्या मिला, मेरे को पिस्टन मिली भाई, मैं पिस्टन से कुछ नहीं कर पाऊँगा उस बंदों को, मेरे को गन चाहिए यार। तो गाइस यहाँ पर फाइनली मेरे को एक मिल चुकी है, तो अब देखते हैं बंदों को, मगर देखते हैं क्या यार, मेरे पास ना तो हेलमेट है ना वेस्ट है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, इतना डर पाएंगे नहीं, फिर भी रस करना पड़ेगा यार, यार उन 3 को फिनिश करना है। तो अगर गाइस मैंने पहले भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना अगर ये 1v3 हो जाता है। तो चलते हैं जल्दी से गाइस, मैं इधर की तरफ आता हूँ देखने, मगर यहाँ पर तो कोई बंदा है ही नहीं, सुनसान हुआ पड़ा है। और गाइस मेरे को नीचे से फुटप्रिंट की साउंड आ रही थी, तो चलते हैं जल्दी गाइस। ये इसके घर में जाने की मन ही नहीं है इस घर में जाने का, तो इसमें भाई इसमें तो चल, चलो फाइनली चला ही गया, तो चलते अंदर। और गाइस ये देखो ये बंदा कर क्या रहा था यार, तो फाइनली उसे नॉक कर दिया। और गाइस ये ऊपर जाने भी नहीं दे रहा था, तो इसे फिनिश करते हैं। और गाइस ये देखो 2 नंबर के साथ क्या होता है भाई, नॉक हो गया भाई, डायरेक्ट फिनिश ही कर दिया बंदे ने, बचाने का भी मौका नहीं दिया। तो भाई इसको तो मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया, मगर देखिए अब मैं सोचता हूँ बंदा इधर आया होगा, मगर नहीं भाई वो इधर नहीं आता है, वो ऊपर चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस बंदे को देखते हैं। तो गाइस ये वही 1v3 वाली स्किट थी जो मैं करने की सोच रहा था। तो गाइस इस बंदे को नॉक करते हैं, और गाइस इस बंदे को नॉक करके मैं इधर आया ही। और ये देखो और गाइस 1v3 हो चुकी है, अब तो तुमको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और भाई यहाँ पर हो जाता है थर्ड पार्टी,